साथियों नमस्ते, दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। उम्मीद है आप सभी लोग सेहतमंद होंगे और अपना एक्सरसाइज कर रहे होंगे, दिन प्रतिदिन रिकवर हो रहे होंगे। तो एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि आफ्टर वॉकिंग, जो सुबह में वॉक करने के बाद, एटलीस्ट सुबह ज़्यादा वॉकिंग नहीं हो पाता, अभी गर्मी है तो थोड़ा लेट उठते हैं, और एटलीस्ट 3 किलोमीटर मैं चलता हूँ डेली सुबह में और शाम में भी। तो सुबह में जब मैं वॉकिंग जाता हूँ, उसके बाद जो मैं करता हूँ, जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करता हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए, और कोई भी राय सलाह सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि सुबह के मॉर्निंग वॉक के बाद जो मैं करता हूँ, तो इसी तरह का एक्सरसाइज में करते रहता हूँ। जो आप मैं इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरा थाई का पिछल वाला भाग, जिसको हैमस्ट्रिंग मसल्स बोलते हैं, वो बहुत टाइट है, और मैं पैर ऊपर उठा के पैर नीचे थोड़ा स्पीड से पटकने का कोशिश कर रहा हूँ। और जब मैं पैर रख रहा हूँ तो फिंगर के भाग से मैं नीचे रख रहा हूँ, ताकि वो मसल्स में स्ट्रेस पड़े और स्ट्रेच हो। तो इसी टाइप का एक्सरसाइज मैं करते रहता हूँ, एक्टिविटीज़ जो मुझे काफ़ी लाभ हुआ है, और विशेषतः इस टाइप का जो डीप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, डीप मतलब पूरा आपका एकदम मसल्स को खोल देने है, जो मसल्स के न्यूरॉन्स होते हैं रेशा, उसमें भी स्ट्रेच पड़े, इस टाइप का स्ट्रेचिंग बहुत ही लाभदायक होता है। हाँ, बैलेंस नहीं बनती है, थोड़ा दिक्कत है, अभी भी मेरा बैलेंस थोड़ा क्या ज़्यादा ही कुछ गड़बड़ है। और जब मैं पहले करता तो मेरे एंकल जो है ना, घूम जाता था, अभी थोड़ा बहुत कुछ बहुत स्टेबल हुआ है, और मैं अपने हिसाब से इसको कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत बैलेंस बन रही है, तो इस टाइप का जो एक्सरसाइजेस है, वो हमारे जैसे पेशेंट को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, और आगे पीछे पैर रख के स्क्वायर लगाना है तो बहुत ही मतलब ज़रूरी है, और इससे बहुत लाभ होता है। वॉकिंग के लिए भी बहुत लाभदायक एक्सरसाइज है, एक ही एक्सरसाइज से बहुत सारे मसल्स को हीट करता है। एक्सरसाइज मैं हील को ऊपर उठा रहा हूँ, मतलब कि काल मसल्स को स्ट्रेच कर रहा हूँ, साथ साथ जब मैं हील को नीचे रख रहा हूँ तो आगे का फुट भी ऊपर उठाने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मेरा जो फुट ड्रॉप है, पूरा फुट ड्रॉप तो नहीं है, मैं फुट ड्रॉप पर एक वीडियो ज़रूर से बनाऊँगा, क्योंकि मेरा अभी फुट ड्रॉप जो है पार्शियल फुट ड्रॉप उतना ठीक नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में ज़रूर मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। और इस टाइप का एक्सरसाइज मैं करते रहता हूँ, कोशिश जब मैं पैर आगे रखता हूँ तो हील से टच करता हूँ, पीछे रखता हूँ तो फिंगर की तरफ से, जो कि चलने में और एंकल को मोबिलिटी लाने में बहुत ही
हेल्पफुल है। तो आप घर में अथवा तो बाहर जहाँ भी हैं चले तो इस टाइप का एक सेंस लगा के होश में रह के एक्टिविटीज़ को करते रहें, जो कि बहुत फायदेमंद होगा। और ये है मेरा मतलब शोल्डर हैंड्स को रिलीज करने के लिए, एक हाथ में लूजपन लाने के लिए, जो ऐसे खड़ा होकर नॉर्मली अपने हाथ को हिलाते रहना है। और ये मैं कर रहा हूँ तो मेरा शोल्डर ब्लेड, कंधा, हाथ, आर्म्स में बहुत पेन दे रहा है। ये नमस्ते पोजीशन में करके हाथ ऊपर ले जाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। मैं पहले से कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं पहले करता था, जो मुझे फील होता था अकड़न, टाइटनेस, वो अब मुझे उतना फील नहीं होता, थोड़ा कम हुआ है। हाँ, वीडियो में देखने में लगता है कि सेम ऑलमोस्ट है, लेकिन जो हम करते हैं तो जो फील होता है अपने आप को, वो फीलिंग्स में सुधार है। ये तो मेरे लिए अभी भी बहुत पेनफुल है, कंधा और आर्म्स में हो गए लगभग एक हफ्ते बहुत पेन है, इसलिए मैंने ज़्यादा ज़ोर जबरदस्ती नहीं करके धीरे धीरे इसको कर रहा हूँ। इससे पहले की वीडियो में आप देखें कि मैंने बहुत हैंड में एंकल वेट लगा के मैं कर रहा था। और इस टाइप का जब मैं स्ट्रेचिंग करता हूँ तो मेरा हिप का एब्डक्टर मसल्स, उसके बाद घुटना में पेन देता है इफेक्टेड साइड की तरफ। और जो एंकल है वो भी थोड़ा घूमने जैसा, जैसे ऐसा लगता है कि घूम जाएगा ऐसा मुझे फील होता है। तो एंकल में भी बहुत अभी परेशानी है, दिक्कत है एंकल से। कुछ हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाया था क्रॉक्ड एंकल करके, तो उसमें भी काम मैं कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मेरा दूसरा जो पैर है फ्रैक्चर होने की वजह से मैं उतना नीचे नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा लेग जो है पूरा मुड़ता नहीं है, बस जो मुड़ता है बस उतना है। देखिए बैलेंस बिगड़ जा रहा है, लेकिन कोशिश तो करते हैं। एंकल में जब और थोड़ा स्ट्रेंथ आ जाएगा तो ज़्यादा चलने में, उठने में, बैठने में और तो साइकिलिंग करने में मुझे अच्छा महसूस होगा। इसको भी मैं हैमस्ट्रिंग मसल्स को रिलीज़ करने के लिए और नी का जो लिगामेंट होता है उसमें स्ट्रेंथ लाने के लिए ये वाला मैं झटके से थोड़ा जितना बन सके उतना झटके से मैं पैर को आगे फेंक रहा हूँ। ये भी हैमस्ट्रिंग मसल्स स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी। सच बोलूँ तो मैं स्टार्टिंग में मैं एक्सरसाइज बहुत करता था, तभी जो मेरा हैंड है और फुल बॉडी करेक्शन जो एक बॉडी लैंग्वेज बन जाता है वो उसको तोड़ने के लिए ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से मुझे बहुत ही बेनिफिट मिला।
ए वाला मैं पहले नहीं कर पाता था, इफेक्टिव हैंड से उसको पकड़ कर साइड लगाना, लेकिन थोड़ा थोड़ा है। ए मेरे साथ पहली बार हुआ है, मैं खड़ा होके हैंड नीचे करके थोड़ा थोड़ा फिंगर खुल रहे हैं और क्लोज भी होने लगे हैं, तो खुशी को दिन साथी, खुशी को दिन मेरे लिए मतलब खुशी का दिन है। मैंने शेयर किया अपने हाथ का, और आने वाले दिनों में मैं हैंड के एक्सरसाइज ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो प्लीज़ चैनल में बने रहिएगा। यदि चैनल में नया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट दिखाइए। तो कोई भी मन में सलाह सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट के ज़रिए अवश्य बताइए। इसी टाइप का डीप स्ट्रेचिंग वाला एक्सरसाइज में मतलब एक्टिविटीज़ करते रहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इस टाइप का एक्सरसाइज अथवा स्ट्रेचिंग करते होंगे। मुझे तो काफ़ी बेनिफिट मतलब काफ़ी लाभ हुआ है इस टाइप की एक्सरसाइज से, तो चाहूँगा कि ज़रूर आप भी अपने शेड्यूल में इस टाइप का स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ज़रूर से ऐड कीजिए, ताकि ऐसे वीकनेस पैरालिसिस से आप भी जरूर जल्द से जल्द रिकवर हो पाए। और दोस्तों छोटे से वीडियो से विदा लेने का टाइम आ गया है, तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एक्सरसाइज करते रहें। मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में, और एक छोटा सा वीडियो उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। और हमारे जैसे पैशन के पास इस टाइप के वीडियो ज़रूर से शेयर करने का कोशिश कीजिएगा, ताकि किसी के हेल्प मिल जाए। तो मिलते हैं अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।